हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों आज 30 सितंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी काफी कारगर साबित होंगे। मित्रों आज के दिन कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता आपके मान सम्मान स्थिति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आपके आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार के साथ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों आज का दिन आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है और बेहद ही उत्तम और बेहद ही शानदार रहेंगे। आज आपको तनावों से मुक्ति मिलेंगे, आप काफी ज्यादा राहत महसूस करेंगे और आप लोगों को साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है। करियर के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित कर सकते हैं, रुके हुए पैसे भी वापस पा सकोगे, आपको अपने कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकेंगे जिससे पूरे दिन आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत हासिल होंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होंगे, कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में आपके सहारा होंगे, आप किसी महिला मित्र के सहयोग प्राप्त करोगे, आर्थिक स्थितियां पहले से काफी बेहतर रहेंगे, करियर में आपको आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आ सकेंगे, रोजमर्रा के कामों में आपको फायदे हो सकेंगे, आपको पात्र से लोग काफी प्रभावित होंगे, व्यापार में लाभ कमा सकोगे। आज के दिन दाम्पत्य रिश्तों में मजबूती आएंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ खुशियों के पल व्यतीत कर सकोगे, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ी रहेंगे, आप पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा। फिलहाल नए काम की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए, परिवार के मसले में आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और आप लोगों को पारिवारिक कामों के लिए कोई बड़े फैसले लेने से पहले सबकी बातों को सभी सदस्यों की बातों को एक बार जरूर सुने। आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे, परंतु आप अपने कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको योजनाओं को बनाना जरूरी रह सकता है। संतान से सहयोग मिलेंगे, कुछ नई चीजों में आपको लोगों से उलझना पड़ सकता है, लंबे समय से रुके हुए काम काज पूरे होंगे, इसके साथ साथ नौकरी में पदोन्नति मिलेंगे, आपका दिन काफी ज्यादा मिला जुला रहेगा, पुरानी बातों को झंझटों में पड़ने से आपको बचना चाहिए। मित्रों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, ऐसे में आप अपने आप को समझाने का प्रयास करें, लोगों के मुख से आप न उलझें, आपको बताना चाहेंगे कि माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकेंगे, निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिल सकते हैं और इसके साथ साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए मौके भी मिलेंगे, दूसरों के साथ मिलकर किए गए काम में आपको काफी हद तक सफलता मिलेंगे, आज आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकेंगे, आपके घर में मेहमानों का आगमन होगा और आपको रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, व्यापार के सिलसिलों में आपको यात्राओं को करना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा, अध्यात्म के प्रति लगाव बढ़ सकता है और मित्रों जीवन साथी के सहयोग से आपका कामकाज पूरे होंगे, आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा, धन ननिहाल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आप लोगों को अपनी बातों को समझाने में काफी सफल रहेंगे और परिवार में आप काफी तालमेल में रहेगा, आपका दिन काफी खुशियों से भरा रहेगा, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं, सार्वजनिक कार्यों में भी आपको मन लगेगा, इस राशि के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिल सकती है, पारिवारिक काम काजों को खुशी और धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, आपको किसी से उपहार मिलेंगे, घरेलू काम काजों को निपटाने में आप काफी सफल रहेंगे, सहयोजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव कर सकोगे, सेहत के मामले में आपको खुद को फिट महसूस कर सकेंगे और करियर में नई सफलता हासिल कर सकोगे। मित्रों काम ज्यादा और लाभ कम होने की वजह से उम्मीदें लग रही हैं, ऐसे में बेहतर होगा आप अपने काम काजों को लगातार करते रहें, आप अपने काम काजों में लगातार प्रयास करें, आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगे, वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेंगे, तो भैया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना ना भूलें और किसी व्यापार में साझेदारी के सोच रहे हैं तो उस विषय से जुड़े लोगों की सलाह जरूर लें, बिगड़ते कार्य बनते नजर आएंगे, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, आसपास के लोगों से आपको सहयोग भी मिलेंगे, आपको माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपके
किसी पुराने क्लाइंट से मुलाकात हो सकेंगे, आपको कोई बड़ा काम शुरू कर सकोगे, इससे आपको फायदे होंगे। आपको सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहने वाला है। तो मित्रों, आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होंगे, आप लोगों के जीवन में हर प्रकार की खुशियां भी प्राप्त होने वाली हैं। बदलता हुआ वक्त भी आप लोगों के जीवन में बदलाव करने वाला है। आप लोगों को माता पिता के सहारे से कार्य को करने का मौका मिलेंगे, आप लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होंगे, कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, आप लोगों को परिवार के साथ कहीं यात्रा को करने का मौका मिलेंगे, आपकी मुलाकात भी बचपन के किसी खास मित्र से मुलाकात होंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, आप किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, आप लोगों को कोई ड्रेस की तारीफें कर सकता है, ड्रेसिंग सेंस में आप लोगों का परिवर्तन होंगे तथा इस राशि के कॉमर्स छात्रों को भी अपने जीवन साथी के सहयोग से काफी ज्यादा खुशियों की प्राप्ति होंगे और किसी भी सब्जेक्ट में आ रहे, किसी भी क्षेत्र में आ रहे आप लोगों की समस्याएं भी आसानी से आपके सॉल्व होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां से भरा समय रहेंगे। समाज के क्षेत्र में आपके कार्यों की चर्चा होंगे। आप लोगों के व्यवहार से लोग भी काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और किसी खास मामलों से लेकर आप लोगों की सोच भी बदलेंगे। जीवन में खुशियां होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलेंगे। आप लोगों को ऑफिस में किसी नए सहयोगी के साथ आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कई सारे लोग भी आपके विचारों से काफी प्रभावित होंगे। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी मन मुताबिक कामकाज को पूर्ण करने का मौका मिलेंगे, लेकिन दूसरे के कामों में दखल देने से भी आप लोगों को बचने का प्रयास करने होंगे, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें, कई प्रकार की समस्याएं और समस्याओं का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए दूसरे के मामले में आप इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बदलते हुए समय के साथ साथ आप लोगों के सारे मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलेंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे। आप लोगों को बेहतरीन शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। घर परिवार को लेकर भी आप लोगों को खुशियों की प्राप्ति होंगे तथा बिजनेस में आगे बढ़ने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। जल्दी ही आप लोगों के जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों से आपको छुटकारा भी मिलेंगे। आपके धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे, बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति भी देखी जा सकती है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को माता पिता के सहयोग से आपको कोई खास कार्य पूरे होंगे। आप लोगों के सेहत में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है। आप लोगों को इस समय स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होंगे। उधार लेन देन से भी आप लोगों को बचने होंगे। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आप लोगों के रिश्ते भी बहुत ही मजबूत होंगे। आप लोगों के कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार को लेकर आप लोगों के सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। आपको किसी जरूरी कार्य में सफल होने से आप लोगों की तारीफें भी होंगे। आप नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखने के अवश्य कोशिश करें। कारोबार के क्षेत्र में आ रहे आप लोगों की सारी अड़चने भी अवश्य खत्म होंगे। परिवार के साथ आप लोगों का समय बहुत ही अच्छा बीतेंगे। संतान सुखों की प्राप्ति होंगे। आप अपने बुद्धिमानी से सारे के सारे कार्य को भी आसानी से संभालेंगे। नौकरी करने वालों को सहयोग से भी मदद की प्राप्ति होंगे, जिनसे कि आप लोगों का कार्य भी बहुत ही जल्द पूरे होंगे। भविष्य में जीवन साथी के साथ आप किसी तीर्थ स्थल की यात्राओं पर भी जाने का मौका पा सकते हैं। मित्रों, कार्य क्षेत्र में भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप इस समय सेहत के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा समय रहने वाला है। आप लोगों को सफलता की प्राप्ति होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। मित्रों, बच्चों से संबंधित कोई सुखद समाचारों की प्राप्ति होंगे। संतान से भी आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। आप लोगों का रुका वदन भी आपको वापस मिलेंगे, जिनसे कि आपको राहत की प्राप्ति होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होंगे। आप किसे सामाजिक कार्यों में सहयोग के देने में विचार कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कामकाजों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होंगे और किसे जरूरी कामकाजों से की गई यात्राएं भी सुखद रहेंगे तथा इस राशि के छात्रों को भी अवश्य सफलता मिलेंगे। आप लोगों को लिमिट के साथ समय बिताने का मौका मिलेंगे। आप लोगों के
जरूरत पे अवश्य पूरे होंगे। आपको किसे बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में नई योजनाओं को बनाने का मौका मिलेंगे, बिजनेस व्यापार को शुरू करने के कई सारे मौके भी प्राप्त होंगे और किसी भी मामले में अनुभवी व्यक्ति के सलाह भी आपको मिलेंगे। आपको परिवार वालों के साथ दुष्मा पल बिताने का मौका मिलेंगे, इनसे कि आप लोगों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगे, पुराने दोस्तों से भी आप लोगों की मुलाकात हो सकेंगे, आप लोगों के व्यवहार में काफी बदलाव होंगे, आर्थिक पक्ष भी आपके मजबूत होंगे, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी अवश्य छुटकारा मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आप लोगों के संबंध काफी बेहतर होंगे, आपकी मुलाकात भी बचपन के किसी मित्र से होंगे, यह मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। लंबे समय से सोचे हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों का मन भी बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। और किसी भी काम के लिए आपको किसी बड़े फैसले को लेने से पहले अपने जीवन साथी की सोच विचार को सहायता से लेने की जरूरत होंगे। और इस राशि के बच्चे भी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, आपको कोई ऐसी बात तो पता चलेंगे जिनसे कि आप लोगों को धन की प्राप्ति होंगे। दाम्पत्य जीवन में चलती आ रहे आप लोगों की सारी समस्याएं भी अवश्य दूर होंगे। आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव भी आने वाला है। आपकी रचनात्मकता प्रतिभाओं को खुलकर भी लोगों के सामने लाने का मौका मिलेंगे। आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होंगे, माता पिता के साथ आप कैसे धार्मिक कार्यों की योजनाओं को बना सकते हैं। आप लोगों को खुद को सेहतमंद भी महसूस करने का मौका मिलेंगे। समाज के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होंगे, आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके भी मिलेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिता सकोगे, धन में वृद्धि होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।